हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी ग्रुप इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास टेंथ इंग्लिश वर्कशीट नंबर सेवेंटी नाइन आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं एथ चैप्टर द हैक ड्राइवर को हमें एक स्टंजा दिया गया एक्सट्रैक्ट दिया गया फ्रॉम दैट चैप्टर हमें उस एक्सट्रैक्ट को समझना है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे लेट्स बिगिन एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन दिस इज आर वर्कशीट नंबर 79 सब्जेक्ट इंग्लिश डेट सेकेंड ऑफ फैब ट्वेंटी ट्वेंटी वन चैप्टर एट द हैक ड्राइवर द हैक ड्राइवर में दो मेन कैरेक्टर है द हैक ड्राइवर बिल और द ऑलिवर लुटकिन सेकेंड जो मेन कैरेक्टर है दैट इज द नेरेटर जो एक यंग लॉयर है और वो गाँव में आते हैं न्यू मिलियंस में आते हैं क्यों आते हैं टू गिव समन टू ऑलिवर लुटकिन ऑलिवर लुटकिन उसको समन देने के लिए समन क्या होते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर होते हैं उनको समन कहा जाता है वहां पर ऑलिवर लुटकिन से ही इंट्रोड्यूस्ट हिमसेल्फ एज ए बिल जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बुद्धू बनाता है यंग लॉयर उसको मूर्ख बनाता है तो चलिए हम पहले एक स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए यंग लॉयर हु स्टार्ट वर्किंग विद ए लॉ फर्म इन दिटी एक यंग लॉयर की कहानी है जो एक लॉ फर्म है उसके साथ शहर में काम करना शुरू कर देता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन है वो लॉ में कंप्लीट करने के बाद ही इज गिवन द जॉब ऑफ सर्विंग समन्स रेदर रियल लॉयर ही एक्सपेक्टिंग उम्मीद तो ये कर रहा था कि वो एज ए लॉयर प्रैक्टिस करेगा बट ही वॉज नॉट गिवन दैट वर्क उसे वो काम नहीं मिलता बल्कि उसको काम मिलता है द जॉब ऑफ सर्विंग समन्स की समन्स जो ऑर्डर आते हैं कोर्ट की तरफ से वो दूसरे लोगों को डिलीवर करने ही डजेंट लाइक दिस जॉब और उसे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं है वन सेंट टू गिव समन टू ए छोटे से गांव में भेज दिया जाता है समन देने के लिए किसको एक विटनेस होते हैं जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। हैप्पी टू गो टू विलेज बट विलेज टर्न्स आउट टू बी टर्टी वो गांव जाने की बात सोच करके काफी खुश था ही वॉन्टेड टू गो टू विलेज क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ लाइफ काफी पीसफुल होती है बट द विलेज टर्स आउट टू बी डर्टी लेकिन जब गांव पहुंचता है तो सब कुछ बदला बदला होता है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है ऑन द प्लेटफॉर्म ही गेट्स टॉकिंग टू ए चेयरफुल मैन नेम्ड बिल और प्लेटफॉर्म पर वो एक चेयरफुल पर्सन से मिलता है जिसका नाम बिल होता है एंड शेयर्स टू हिम दैट ही नीड्स टू फाइंड लुटकिंस टू सर्व हिम समन्स और वहां पर वो उसके साथ शेयर करता है कि वो क्यों आया हिज टू गिव समन्स कि वो समन्स है वो सर्व करना चाहता था किसको ओलिवर लुटकिंस को बिल सीम्स टू नो लुटकिंस वेल एंड ऑफर्स हेल्प द यंग लॉयर फाइंड लुटकिंस बिल है वो उसे बातों में बताता है कि मैं तो लुटकिंस को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ एंड ही ऑफर्स दैट ही इज रेडी टू हेल्प द द यंग लॉयर कि वो यंग लॉयर की हेल्प करेगा ताकि हम लुटकिंस को फाइंड आउट कर सकें द यंग लॉयर डिसाइड्स टू रेंट बिल्स बैक बिल्स हैक फॉर टू डॉलर पर आर और यंग लॉयर है वो टू डॉलर पर आर के तौर पर जो बिल की हैक है उसको हायर करता है ओके टू डॉलर पर आर बिल टेक्स द नरेटर टू सेवरल प्लेसेस इन द विलेज टू लुक फॉर द लुटकिन और बिल है उसको लॉयर को कई जगह पे घुमाता है गाँव में ताकि वो लुटकिनस को सर्च कर पाए वाइल अप्रोचिंग पीपल बिल ऑलवेज गोज फर्स्ट टू इंक्वायर अबाउट लुटकिंस और जब लोगों से मिलना होता है तो बिल लुटकिंस के बारे में पूछने के लिए पहले जाता है क्यों जाता है वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इन द लास्ट हमें पता चलेगा कैसा ऐसा क्यों था इन आफ्टरनून बिल कन्विंसिस द लॉयर टू बाय फूड फ्रॉम हिज वाइफ और आफ्टरनून यानी कि काफी टाइम तक वो सर्च करते हैं बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड द लुटकेंस उन्हें नहीं मिल पाता एंड इन द आफ्टरनून ही ऑल्सो कन्विंस द लॉयर्स लॉयर्स को कन्विंस कर लेता है टू बाय फूड फ्रॉम हिज वाइफ कि उसकी वाइफ से फूड ले लिया जाए उसे बताते हैं कि वो सस्ता पड़ेगा लाइक दैट दे हैव दियर लंच एट वेड्स हिल विथ्स द यंग लॉयर फाइंड्स ब्यूटीफुल और वहाँ पर वेड्स जो हिल है वहाँ पर वो लंच करते हैं और वहाँ आसपास का एरिया अच्छा लगता है बाई दिस टाइम ही हैज़ ऑलरेडी पेड बिल फॉर सिक्स आवर्स और उस टाइम तक वो छः घंटे का बिल उसको जो हैक ड्राइवर है बिल है उसको पे कर चुके थे बट विद नो सक्सेस एट फाइंडिंग लुटकिन लेकिन उन्हें लुटकिनस नहीं मिलता है द लॉयर एडमायर बिल्स जेनरसिटी बिल्स की जो जेनरेसिटी है उसके हेल्पफुल नेचर्स है और सिंपल विलेज लाइफ है उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं यंग लॉयर दे गेट टू नो दैट लुटकिन इज एट हिज मदर्स हाउस और उन्हें पता चलता है कि लुटकिन से वो अपने मदर के घर पर है अपने माँ के घर पर है बट रेदर देन हेल्पिंग शी नियरली अटैक्स दैम विद ए हॉट आयरन रोड लेकिन वो वहाँ पर नाराज हो जाती है एंड सी ट्राई टू अटैक ऑन Both of them, दोनों के ऊपर एक आयन रोड होती, होती है उसे हमला कर देती है एट लास्ट द लॉयर हैजू लीव विदिंग टू समन टू लोट और लास्ट में जो लॉयर है क्योंकि ऑलरेडी सर्चिंग फॉर दिक्स आवर्स वो काफी टाइम से सर्च कर रहे थे तो बिना समन को सर्व के ही लॉयर को लौटना होता है ही रीपेर बाई हिज पोस द नेक्स्ट डे रीपरमाइंडेड मीन्स यहाँ पे कि उसको दोबारा भेजा जाता है ही वॉज री अप्रोच बाई हिज बोस्ट उसके बोस्ट कहते हैं कि नहीं हमें सर्व करना है बिकॉज इट वॉज द मैटर ऑफ ए इम्पोर्टेंट केस लगा हुआ था सो नेक्स्ट डे उसे वो रिविजिट करता है एंड ई सेंट अगेन टू न्यू मिलियन न्यू मिलियन में वो दोबारा आता है विद ए क्लीग हु नोज लुटकेंस और उसके साथ एक कलीग होता है कलीग मतलब जो साथ काम करते हैं ओके okay, जैसे आपके टीचर्स हैं तो टीचर्स के साथ जो काम करते हैं वो उनके कलीग होंगे ओके सो ही म अगेन न्यू मिलियन विद ए कलीग हु नोस लटकिनस ओन रीचिंग द स्टेशन द लोयर इज सरप्राइज टू सी बिल टॉक टू लटकिन मदर्स और जब वो स्टेशन पे पहुंचते हैं तो लॉयर को काफी हैरानी होती है कि बिल वॉज टॉकिंग टू लुटकिन मदरस लुटकिन की मदर से बात कर रहा था बट ही इज हैपी टू सी बिल एंड टेल्स हिज कलीग अबाउट हिज हेल्प इन फाइंडिंग लुटकिन और वहां पर वो बिल को देख करके खुश होता है He was कि कल तो इनका झगड़ा हो रहा था और अब ये बातें करें और जैसे ही वो वहाँ पे बिल को देखता है कि एक बंदा मिल गया जो काफी हेल्पफुल नेचर का है एंड ही इंट्रोड्यूस्ड बिल टू हिज कलीग टू अपने कलीग से मिलवाता है उसे हिज कलीग टेल्स हिम दैट द पर्सन इज लुटकिन और कलीग उसे बताता कि यही तो लुटकिन को काफी बुरा लगता है लुटकिन हैव ए गुड लाफ एंड इन्वाइट हिम फॉर कॉफ़ी लुटकिनस और उसकी मदर हैं वो उसके जो प्रैंक किया गया था उसके ऊपर काफ़ी हंसते हैं और उसे कॉफ़ी के लिए भी इन्वाइट करते हैं बिकॉज लुटकिनस वॉज ऑफ ए फ्रेंडली नेचर सो ये थी हमारी स्टोरी जो यहाँ पर समरी दी गई है सो क्योंकि हमारी जो वर्कशीट है वो लगभग अब खत्म होने वाली है तो हमने इस चैप्टर को समझने की कोशिश की नाउ लेट्स मोटू द क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ़ देखें दिस वर्कशीट इज गोइंग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाई डिड यंग लॉयर है उसे अपना काम पसंद नहीं है क्यों द लॉयर ही वॉज वर्किंग एज अ जूनियर असिस्टेंट कल वो उसे अपना काम इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो एक जूनियर असिस्टेंट कलर्क के तौर पर काम कर रहा था इन टू प्रिपेयर लीगल ब्रिप्स की हालांकि एक्सपेक्टेड तो यह था कि वो लीगल प्रैक्टिस करे बट ही वॉज वर्किंग लाइक दैट ऑफ ए जूनियर असिस्टेंट कलर बट अगेंस्ट हिज होप्स ही हैड टू सर्व समन्न लाइक ए प्राइवेट चीफ डिटेक्टिव की तरह उसे अपने समन जो है लो फॉर्म के वो उसे डिलीवर करने होते हैं सर्व करने होते हैं सो दी वॉज नॉट हैपी विथ हिस्स वर्क सेकेंड जो क्वेश्चन दिया गया वाई डिड बिल ऑलवेज अप्रोच पीपल बिफोर द यंग लॉयर कु हमेशा जब लोगों से वो सर्च कर रहे थे लुटकिन को तो उस वक्त बिल है वो सबसे पहले मिलता है ल, जो यंग लॉयर है उसको नहीं मिलने देता ऐसा क्यों बिकॉज बिल डिडेंट वॉन्ट लॉयर टू टॉक टू एनी पर्सन डायरेक्टली क्योंकि बिल नहीं चाहता था कि किसी भी पर्सन से डायरेक्टली लॉयर बात करें हेड हीड डनसो हैड ही डनसो बिल वुड हैव बीन एक्सपोज एट वंस दैट ही वॉज प्लेइंग ए डबल रोल क्योंकि अगर वो बात कर लेता तो वो एक्सपोज हो जाता कि यह डबल रोल प्ले कराए लुटकिन एंड द बिल इज द सेम पर्सन ही वॉज लुटकिन सेम सेल्फ क्योंकि वो लुटकिन खुद ही था सो दैट्स वाई ही वॉज अप्रोचिंग पीपल बिफोर द यंग लॉयर कुड सो नाउ लेट्स मोटू द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन दिया गया हाउ डिड द हैक ड्राइवर डिस्क्राइब लुटकिन मदर हैक ड्राइवर है वो लुटकिंस की मदर को कैसे डिस्क्राइब करता है द हैक ड्राइवर टोल्ड द नरेटर दैट लुटकिंस मदर वॉज अ रियल टेरर यानी जो हैक ड्राइवर है वो नरेटर को बताता है कि लुटकिंस की मदर है वो एक रियल टेरर है एक बड़ा खतरा है एंड सीवो से नाइन फिट टोल फोर फिट थिक एंड एज क्विक एज ए कैट कि वो नाइन फिट टोल है और फोर फीट थिक मतलब अच्छी खासी मोटी है एंड एज क्विक एज कैट कैट की तरह काफी शार्प भी है तेज भी है क्विक भी है चतुर भी है उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन रहेगा फोर्थ वन इज दैट वाई डिड लुटकिन एंड हिज मदर इन्वाइट द यंग लॉयर फॉर कॉफी लुटकिन और उसकी मदर है लॉयर को कॉफी के लिए इन्वाइट करते हैं ही न्यू दैट द लॉयर इज सर्चिंग फॉर हिम कौन लुटकिन वॉज लुटकिन न्यू दैट द यंग लॉयर वॉज सर्चिंग फॉर हिम ही वॉन्टेड टू प्ले प्रैंक ऑन हिम एंड ऑफर टू हेल्प हिम फाइंड लुटकिन इसलिए वो उसके साथ प्रेंक करने की कोशिश करते हैं करने की कोशिश नहीं करते प्रेंक करते हैं और उसे हेल्प करने की भी ऑफर देते हैं कि लुटकन्स को फाइंड आउट करते हैं सो इन द एंड वेन दे वर डिसक्लोज दे इन्वाइटेड द यंग लॉयर फॉर कॉफ़ी जब उन्हें लास्ट में पता चल जाता है तो वो जो लॉयर हैं उनको कॉफी के लिए इनवाइट करते हैं बिकॉज देयर नेबरहुड पीपल वर ऑल्सो वॉन्टेड टू मीट हिम क्योंकि आस पड़ोस के लोग हैं वो भी उनसे मिलना चाहते थे यहां पर यह भी लिखा जा सकता है दैट बिकॉज लुटकिंस वॉज ए फ्रेंडली नेचर सो इन द एंड ही ऑफर्ड कॉफी टू द यंग लॉयर तो आप दोनों वे से भी लिख सकते हो इसको नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है वाई डज द यंग लॉयर डिसाइड टू टेक हेल्प ऑफ द हैक ड्राइवर टू फाइंड लुटकिन जो यंग लॉयर है वो डिसाइड करता है कि वो हैक ड्राइवर की हेल्प लेगा लुटकिन को ढूंढने में ऐसा क्यों द यंग लॉयर डिसाइडेड टू टेक देल्प ऑफ द हैक ड्राइवर एज ही हैड नोट सीन लुटकिन बिफोर क्योंकि उसने लुटकिन को पहले नहीं देखा था हैक ड्राइवर टू किम अराउंड द विलेज ऑन द प्रोटेस्ट ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर लुटकिन वो उसे ऑफर भी करता है कि ही कुड हेल्प हिम कि वो हेल्प कर सकता है सो so वो उसे पूरे गांव के राउंड लगाता है ओके okay? तो यहाँ पे एक लाइन में भी, भी हम कंप्लीट कर सकते हैं बिकॉज द यंग लॉयर हैड नॉट सीन लुटकेंस बिफोर वो उसे पहचानता नहीं था इसलिए वो हेल्प लेता है हैक ड्राइवर की सिक्स क्वेश्चन हाउ डिड द हैक ड्राइवर मैनेज टू अर्न मनी एट द एंड ऑफ द डे हैक ड्राइवर है उसे पैसा मिलता है काफी सारा पैसा वो कमा लेता है बना लेता है कैसे द हैक ड्राइवर वॉज ए परफेक्ट बिजनेस मैन वो एक परफेक्ट बिजनेस मैन होते हैं द नरेटर पेड हिम फॉर सिक्स आवर्स इंक्लूडिंग द लंच आर और नरेटर उसे घंटे की पेमेंट देता है उसमें लंच आर है वो भी इंक्लूड होता है द बिल वॉज पेड टू डॉलर्स फॉर एन आर जो बिल पे किया गया था जो बिल को पे किया गया था टू डॉलर्स फॉर एन आर एक घंटे के दो डॉलर थे एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा फॉर द लंच और लंच के एक्स्ट्रा थे सो so, इस तरीके से हैक ड्राइवर हो वो डे में काफी कुछ कमा लेता है नाउ लेट्स सेवंथ क्वेश्चन प्लेइंग ऑल द टाइम विद लॉयर हमें बताना है कि वट ट्रिक वॉज द ऑल द टाइम लॉयर जो यंग लॉयर है उसको मूर्ख बनाया जाता है पूरे दिन कैसे किस ट्रिक के द्वारा उसको मूर्ख बनाया जाता है ऑलिवल लुटकिन मेड ए फूल ऑफ द यंग लॉयर यंग लॉयर को मूर्ख बनाया जाता है बुद्धू बनाया जाता है थ्रू आउट हीज फर्स्ट विजिट टू द विलेज जो उसकी पहली विजिट होती है गाँव में फर्स्ट ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज बिल एट द रेलवे स्टेशन सबसे पहले तो वो खुद को लुटकिन है ऑलिवल लुटकिन है वो इंट्रोड्यूस करता है कि मैं बिल हूं एंड एश्योर्ड द लॉयर दैट दे वुड टूगेदर सर्च फॉर लुटकिन एश्योरेंस देता कि वो मिलकर के लुटकिन को सर्च करेंगे ही टोल्ड द लॉयर दैट ही न्यू मोस्ट ऑफ द प्लेसेज वे आर यूज टू हैंग आउट और वो लॉयर को बताता है कि ज़्यादातर जगह जहाँ पर लुटकिन मिलता है वो सब जगह उसे पता है इन सक्सेसन ही टुक द नरेटर टू द फ्रिज देन टू द बाबर शोप देन ग्रे शॉप एंड फाइनली लुटकिनस मदर हु ही कॉल्ड अ टेरिबल वो इस इसी सक्सेशन में यानी कि इसी सर्च में वो काफ़ी जगह पर यंग लॉयर को लेकर के जाता है ही डिसीव्ड द लॉयर थ्रू आउट वो पूरे दिन यानी कि पूरी प्रोसेस में एक तरीके से मूर्ख बनाता है किसको लॉयर को एंड ऑल्सो मेड मनी बाय टेकिंग द लॉयर अराउंड और साथ ही साथ वो पैसा भी बनाता है बिकॉज ही वॉज चार्जिंग टू डॉलर पर आर दस ही वॉज एबल टू मेक ए फूल ऑफ द लॉयर बाय टेकिंग हिम ऑल ओवर द विलेज विदाउट सक्सेस और इस तरीके से वो मूर्ख बना देता है क्योंकि पूरे गांव में घुमा देता है एंड इवन द लॉयर वॉज अनएबल टू फाइंड द लुटकिन्स लुटकिन्स उसे फिर भी नहीं मिलता एज द लॉयर डिडेंट रिकोगनाइज लुटकिन क्योंकि वो लुटकिनस को पहचानता नहीं है लॉयर एंड सो डिड नॉट रियलाइज दैट इट वाज लुटकिन हिमसेल्फ हु वाज टेकिंग हिम अराउंड और इसलिए उसे पता नहीं चलता कि लुटकिन सी बिल है एंड ही वाज टेकिंग हिम अराउंड द विलेज वही उसे गांव के चक्कर लगवा रहा था नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन ये जो हमारे 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन है दिस ऑल आर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एथ क्वेश्चन है बट आई हैड सो इन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्केर्यर्सली स्केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट यहाँ पे जो यंग लॉयर है वो कहता है कि मुझे बिल की कंपनी इतनी अच्छी लगी या फिर उनके जो गाँव के बारे में ओपिनियंस थे या अपने नेबर्स के बारे में ओपिनियंस थे कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लुटकिंस मिला या ना मिला मुझे मजा आया वाई डू यू थिंक द यंग लॉयर फाउंड कन्वर्सेशन विद द हैक ड्राइवर मोर इंटरेस्टिंग दैन हिज वर्क जो यंग लॉयर है उसे बिल के साथ जो हैक ड्राइवर है उसके साथ कन्वर्सेशन ज़्यादा मज़ेदार लगी अपने काम से भी ज्यादा मजेदार लगी क्यों वी नीड टू एक्सप्लेन दैट वन ओन हिज वे बैक द लॉयर डिडेंट वरी अबाउट द फेलियर ऑफ हिज मिशन उसकी मिशन की फेलियर को लेकर के उसे बिल्कुल टेंशन नहीं होती ही वॉज नॉट वरीड अबाउट दैट बट ही वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्निशन लेकिन वो बिल के बारे में सोच रहा था द हैक ड्राइवर के बारे में सोच रहा था द हैक ड्राइवर इन फैक्ट ही इवन स्टार्टेड कंस्ट्रिंग ही टू टू प्रैक्टिस और वो इतना इंप्रेस्ड होता है बिल से कि वो न्यू मिलियन में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगता है ही फाउंड बिल डीप एंड रिचली ह्यूमन एंड पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ इन द विलेज वो बिल को काफी डीप और रिचली ह्यूमन पर्सन मानता है और उसे ऐसा भी लगता है कि गाँव में जो लाइफ है वो काफी ईमानदार होती है लोग काफी खुश होते हैं सो दैट्स वाई ही वाज नॉट वरीड अबाउट द फेलियर ऑफ हिज मिशन इसलिए वो अपने मिशन की फेलियर को लेकर के ज्यादा चिंतित नहीं था नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ वन द यंग लॉयर फेल्ट दीज विस आर सो रेडी टू हेल्प ए स्ट्रेंजर डू यू थिंक ही वॉज राइट वाई और वाई नॉट जो यंग लॉयर है नरेटर है वो ये सोचता है कि गाँव के जो लोग हैं कितनी हेल्प करें उसकी किसी भी अजनबी की कि कितनी हेल्प करें क्या वो सही था क्यों या फिर क्यों नहीं वाई और वाई नॉट नो ही वॉज नॉट राइट वो बिल्कुल भी सही नहीं था ओलिवल लुटकिन्स अलॉन्ग अदर्स मेड ए फूल ऑफ द यंग लॉयर थ्रू आउट हिज फर्स्ट विलेज टू द विलेज क्योंकि ओलिवर लुटकिंस और विलेजेस थे वो उसको मूर्ख बना रहे थे वो उसे पागल बना रहे थे उसको बुद्धू बना रहे थे फर्स्ट ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज ए बिल एट द रेलवे स्टेशन एंड एश्योर्ड द लॉयर दैट दे वुड टुगेदर सर्च फॉर लुटकिन सबसे पहले उसे बिल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है खुद को और उसके बाद उसे एश्योरेंस देता है कि हम मिलकर के उसको सर्च करें द हैक ड्राइवर इज एबल टू बी फुलम एज हीन्स बिफोर और हैक ड्राइवर उसको मूर्ख इसलिए बना पाता है क्योंकि उसने पहले लुटकिंस को देखा नहीं था He took him around the village on the pretext of searching for Lutkins और उसे पूरे गाँव के चक्कर लगाता है So we can say that the young lawyer was not right because the villagers befooled him क्योंकि villagers है वो उसको मूर्ख बना रहे थे Now let's move to the next question that is the टेंथ one and the last one of this long worksheet. Who do you find the most interesting in this story? इस story में आपको सबसे interesting character किसका लगा Why? क्यों राइट करेक्टर स्केच ऑफ दैट पर्सन हमें उस पर्सन का करेक्टर स्केच लिखना है तो यहाँ पर ओलिवर लुटकिंस उसका करेक्टर है वो सबसे ज्यादा हमें इंटरेस्टिंग लगा तो हम उसका करेक्टर स्केच है वो राइट करेंगे ओलिवर लुटकिंस वॉज ए जॉली नेचर एंड फन लविंग पर्सन ही इंप्रेस्ड द लॉयर एट द रेलवे स्टेशन बाय हिज फ्रेंडलीनेस एंड सिंप्लिसिटी ओलिवर लुटकिंस है वो जॉली नेचर का है फन लविंग पर्सन है और जब वो पहली बार लॉयर से मिलता है तो उसे इम्प्रेस कर लेता अपने फ्रेंडलीनेस या फिर सिंप्लीसिटी के कारण बट ही वॉज नॉट सो सिंपल एंड ऑनेस्ट एज ही अपियर टू बी लेकिन वो जैसा दिखता है उतना भी सिंपल नहीं है ही न्यू अबाउट लॉयर्स इग्नोरेंस एंड हिज हीजर्पज उसे पता है कि लॉयर इग्नोरेंस uh, मतलब लॉयर है वो नहीं जानता लुटकिंस कौन है एंड ही वॉज न्यू टू दिलेज ऑल्सो वो विलेज में भी नया था एंड ही ऑल्सो न्यू अबाउट हिज हिस्स पर वो आए क्यों ये भी उसे पता होता है ही डिसाइडेड टू बी फुल हिम और वो डिसाइड करता है कि इसको बुद्धू बनाया जाए ही इंट्रोड्यूस्ड एज ए बिल वो खुद को एज ए बिल इंट्रोड्यूस करता है एंड ही हैड ए लॉट ऑफ फन आउट ऑफ हिज इग्नोरेंस और उसकी इग्नोरेंस के कारण वो उसको पूरे दिन बुद्धू बनाता है और काफी इंजॉय करता है बट ओलिवर हैड नो अदर इंटेंशन टू फूल द नेरेटर बिसाइड हैविंग सिंपल फन और इन्जॉयमेंट लेकिन ओलिवर का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था ही जस्ट वॉन्टेड टू हैव फन और इन्जॉयमेंट के पर्पज के लिए उसको मूर्ख बनाया जाता है या बुद्धू बनाया जाता है ही एड ए गुड अंडरस्टैंडिंग विद द टाउन फॉक्स हु हैल्प हिम इन प्लान और उसकी हमें स्टोरी से भी पता चला कि उसकी अपने आस पास के लोग हैं उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग है ही वॉज वेरी काइंड काफी काइंड एंड वेल मैनर्ड टू ही वॉज ए टैलेंटेड एक्टर हु मेड फन ऑफ एन इंटेलिजेंट लॉयर और वो टैलेंटेड एक्टर भी है क्योंकि एक लॉयर थे वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड उस लॉयर को मूर्ख बनाया था ही वॉज वेरी क्लेवर एंड ही वॉज स्टिक टू हीज प्लान एट द मोमेंट एंड इंक्लूड एवरी वन इन हीज प्लान राइट बिफोर द नरेटर्स आई और वो काफ़ी तेज तरार भी है कि उसने ही जस्ट सेटअप द प्लान प्लान बनाता है और जो लॉयर है उनकी आंखों के सामने सब किसी को हर किसी को उसमें इंक्लूड भी कर लेता है तो ये था क्रैक्टर स्केच ऑफ ऑल जिसको हम बिल भी कह सकते हैं और द हैक ड्राइवर दैट्स ऑल इन दिस लॉन्ग वर्कशीट जो हमारी आज की वर्कशीट थी काफ़ी लॉन्ग थी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ऑल दैट वी कैन से दैट जो ज्यादातर क्वेश्चन हमने इस वर्कशीट में डिस्कस किए वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू बाय बाय हैव है नाइस डे